सो डेयर स्टूडेंट्स, हमारी जो ओरेकल वर्चुअल मशीन के लिए जो वर्चुअल मशीन थी वो क्रिएट हो गई है। अब हम सेटिंग्स के अंदर आते हैं अगेन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने क्या सेटिंग्स की हुई थी बाय डिफॉल्ट। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सन सोलैरिस 10 के नाम से था, टाइप सोलैरिस था, और जो वर्जन को सपोर्ट कर रहा था वो 64 बिट के साथ था। फिर हम सिस्टम के ऊपर क्लिक करते हैं। जो हमने रैम असाइन की थी डे स्टूडेंट्स, वो आप देख सकते हैं कि वो 2 GB है। देन यहाँ पर प्रोसेसर आ रहा है। बाई डिफॉल्ट जो प्रोसेसर्स हैं अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हैं वो 4 हैं। फिर डिस्प्ले के ऊपर आ जाएं, यहाँ पर जो आपने असाइन करना है अपने वर्चुअल मशीन के लिए, जो आप लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं, वो मैक्सिमम आपने साइज रखना है वीडियो का। अनेबल कर दें 3D एक्सेलरेशन को। जो ग्राफिक्स के हवाले से जो आपने साइज रखना है वो मैक्सिमम रखना है। हमने वीडियो मेमोरी भी मैक्सिमम असाइन कर दी है, और जो एक्सेलरेशन 3D के हवाले से था उसको भी हम अनेबल कर देते हैं। देन स्टोरेज की तरफ आ जाएं। यहाँ पर आप देखें डे स्टूडेंट्स के जो आपका सन सोलैरिस है वो हमने उसका पाथ असाइन नहीं किया हुआ है, वो एम्प्टी शो हो रहा है। उसके साथ ये एक सीडी ड्राइव होती है, इसके ऊपर डे स्टूडेंट्स आप जब क्लिक करेंगे यहाँ से आप अपना पाथ दे देंगे सन सोलैरिस ISO इमेज का। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है चूज क्रिएट अ वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही आपने सन सोलैरिस 10 को ऐड किया है, तो यहाँ पर जो आपके पास एम्प्टी आ रहा था, यहाँ पर सोलैरिस 10 के नाम से आपके पास ISO इमेज आना शुरू हो जाएगा, और आप इसको ओके कर दें। देन ऑडियो के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है, और अब आप इसको अपनी जो आपकी वर्चुअल मशीन है जिसके ऊपर हम सन सोलैरिस 10 की इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक स्टार्ट। डे स्टूडेंट, स्टार्ट के अंदर आपके पास इस तरीके से आपके पास डेस्कटॉप आ रहा होगा। ओरेकल सोलैरिस है, ओरेकल सोलैरिस सीरियल कंसोल TTY-A के साथ है। तो जो बाय डिफॉल्ट है जो ग्राफिकल के अंदर आपके पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे, जस्ट आप लोग इंटर कर दें और आपकी जो इंस्टॉलेशन है सन सोलैरिस 10 की वो स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने वर्चुअलाइजेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था वो हमारे पास ओरेकल वर्चुअल मशीन था। यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आपसे पूछ रहा है
कि ओरेकल सोलेरिस इंटरेक्टिव बाय डिफॉल्ट अगर आपने इंस्टॉलेशन करनी है उसके लिए आप जस्ट वन प्रेस कर देंगे। अगर आप कंसोल के साथ करने चाह रहे हैं कि कमांड लाइन के अंदर हो, उसके लिए आप 3 या 4 का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट वन आपने क्लिक करना है और आपकी जो इंस्टॉलेशन है सोलेरिस की ग्राफिक्स के साथ वो स्टार्ट हो जाएगी। ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, शेल के अंदर आप लोग कर सकते हैं, टेक्स्ट मोड या कंसोल सेशन आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, डेस्कटॉप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो स्टार्ट के अंदर आप लोग स्टार्ट करेंगे वो बाई डिफ़ॉल्ट इंटरेक्टिव मोड होता है या ओरेकल सोलेरिस इंटरेक्टिव बाई डिफ़ॉल्ट जो उसका मोड है वो हम सिलेक्ट करते हैं और आपकी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। कीबोर्ड लेआउट का डे स्टूडेंट्स आपसे पूछता है, कीबोर्ड डे स्टूडेंट्स आपने यूएस इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है, उसके लिए आपने F2 की जो की है अपने कीबोर्ड के टॉप के ऊपर उसको प्रेस कर देंगे तो ये नेक्स्ट प्रोसीड हो जाएगा। प्रेस इंटर टू कंटिन्यू, इंटर कर दें। और इस तरीके से डेट स्टूडेंट्स आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट इंटर कर दें वंस अगेन। सेलेक्ट अ लैंग्वेज, बाय डिफॉल्ट हम इंग्लिश को रेकमेंड करते हैं तो उसके लिए आप 0 सेलेक्ट करेंगे। जस्ट क्लिक नेक्स्ट, इंटर। और ये जो पैकेजेस हैं, जो फाइल्स हैं, उसकी इंस्टॉलेशन जो सन सोलेरिस के लिए हैं डेयर स्टूडेंट्स, वो आपका जो स्टेप्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, कुछ नेटवर्क की सेटिंग्स हैं जो सन सोलेरिस आपसे पूछता है इंस्टॉलेशन के हवाले से। द फॉलोइंग स्क्रीन विल गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सिस्टम, दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज टू कन्फिगर नेटवर्क हैं, कुछ प्रोटोकॉल हैं, कर्बरस के सिक्योरिटी के हवाले से नेम सर्विसेज हैं, तो आपने डे स्टूडेंट्स को जस्ट नेक्स्ट करते जाएं। नॉन नेटवर्क को आप सेलेक्ट कर लें। होस्ट नेम, जो भी आप अपनी मशीन को नाम असाइन करना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, आप BSIT रख सकते हैं या जो भी BGU है आपकी साइट उसको आप असाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो अपनी मशीन का नाम रखा है वो जोवियल है। जस्ट क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट कर दें। डोमेन के हवाले से पूछता है, ज्योग्राफिक कॉन्टिनेंटल कंट्री के हवाले से है, नेक्स्ट कर दें। हम लोग एशिया के अंदर फॉल कर रहे होते हैं तो एशिया को सिलेक्ट कर लें आप लोग, नेक्स्ट कर दें। एशिया के अंदर पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लें डे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कर दें। टाइम है बाय डिफॉल्ट आज 10 अक्टूबर है और 23:11 हो चुका है, नेक्स्ट कर दें। डे स्टूडेंट्स, ये रूट का पासवर्ड है, जैसे आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो रूट का पासवर्ड आपसे पूछेगा, ये 2 दफ़ा आपने असाइन करना है, कंफर्म करना है। पासवर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया है, हमने नंबर रखी है, इनको जस्ट कंफर्म कर दें। नेक्स्ट कर दें। अगेन इंस्टॉलेशन के हवाले से कुछ ऑप्शन आपसे पूछता है, जस्ट क्लिक नेक्स्ट। डिफॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर जाने दें। यू मस्ट आल्सो मैनुअली इजेक्ट द CD, ये जिस तरीके से आप लोग रीबूट करते हैं तो उसके हवाले से आपसे पूछता है, ओके कर दें।
नेक्स्ट कर दें स्टूडेंट्स कि हम सीडी आईएसओ इमेज के साथ इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जो मीडिया टाइप है हमारे पास वो जस्ट नेक्स्ट कर दें, और आपकी जो सन सोलेरिस 10 की जो इंस्टॉलेशन है वर्चुअल मशीन के अंदर डे स्टूडेंट्स वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। हमने बाय डिफॉल्ट जो पैकेजेस हैं उसको ही सिलेक्ट किया है अपनी आसानी के लिए, एग्रीमेंट के हवाले से है, एक्सेप्ट करें आप इसको, नेक्स्ट कर दें अगेन। यहाँ से डे स्टूडेंट्स देखें कि कस्टम इंस्टॉल अगर आप सिलेक्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे पैकेजेस वगैरह के हवाले से मुख्तलिफ जो इंफॉर्मेशन है वो आपसे पूछना स्टार्ट कर देगा। जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन कर रहे हों कोशिश करेंगे डिफ़ॉल्ट जो पैकेजेस हैं जो फाइल्स हैं उसको ही सिलेक्ट करें इंस्टॉलेशन के हवाले से, नेक्स्ट कर दें। द सोलेरिस इंस्टॉलर, ये स्टूडेंट्स आप देखें कि किस तरीके से ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि किस तरीके से आपकी जो सॉफ्टवेयर हैं जो पैकेजेस हैं वो रूट ड्राइव के ऊपर या आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर किस तरीके से सेव हो रही हैं। इंस्टॉल नाउ कर दें। और ये आपकी ओरेकल सोलेरिस की जो इंस्टॉलेशन है डियर स्टूडेंट्स वो स्टार्ट हो जाती है। ये 10 से 15 मिनट डिपेंड करता है कि आपके जो प्रोसेसर हैं कितनी रैम आपने असाइन की है, कितना प्रोसेसर आपने वर्चुअल मशीन को दिया है, होस्ट कंप्यूटर के अंदर कितनी कितना पोटेंशियल है रैम के हवाले से, डिपेंड करता है कि कितनी तेजी के साथ ये आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होती है। डियर स्टूडेंट्स आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है सन सोलेरिस की। डियर स्टूडेंट्स ये तकरीबन 15 से 20 मिनट आपके लग जाते हैं मोस्टली इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के हवाले से। हम रिकॉर्डिंग को कुछ टाइम के लिए पॉज कर देते हैं और जैसे ये कंप्लीट होगी हम फिर वहीं से अगेन स्टार्ट कर लेंगे। प्रेस कंटिन्यू फॉर इंस्टॉलेशन, कंटिन्यू अगेन। रीबूट नाउ। डियर स्टूडेंट्स आफ्टर रिबूटिंग सिलेक्ट अनचेक द ऑप्टिकल ऑप्शन आफ्टर क्लिकिंग ऑन सिस्टम एंड देन क्लिक ऑन जर्नल एंड क्लिक ओके एंड अगेन स्टार्ट द वर्चुअल मशीन फॉर द सन सोलेरिस 10। And you will see that Oracle Solaris 10 installation is complete, almost complete.
और डेयर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप इंटर करेंगे अपना यूज़र नेम जो कि हमारा रूट था, इंटर करें एंड देन पासवर्ड। और पासवर्ड इंटर करने के बाद आप ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे और इस तरीके से आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे होते हैं कि जावा डेस्कटॉप सिस्टम को लोड करना है, कॉमन डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं। इसको आप जस्ट ओके करेंगे और सन सोलैरिस 10 जो है डे स्टूडेंट्स, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो जाएगा। इसको जस्ट 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 क्लोज इट एंड दिस इज द इंटरफेस ऑफ सन सोलैरिस 10। डे स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।